रहमानिरहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ रेसिपी इज़ टोटली अ टॉडलर एडिशन। मेरी छोटी सी नीज़ है और वो मेरी वीडियोस देख देख के अपने खिलौनों से जो है कभी केक्स बनाती है, कभी कपकेक्स बनाती है कि आज मैंने वीडियो देखी है उसमें ये चीज़ थी तो मैं बना रही होती हूँ। शी इज़ जस्ट 2 ईयर्स ओल्ड बट शी इज़ वेरी इंस्पायर्ड बाई माई वीडियोज़। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ, मुझे एक आइडिया आया था उसकी इस इंस्पिरेशन को देख के, और ये वीडियो शेयर करने का जो मेरा मकसद था वो ये था कि मैं आपके साथ अपने आइडियाज़ शेयर कर सकूँ। अगर मैं चाहती तो मैं इस वीडियो को बहुत ही फैंसी बना के, बहुत ही अच्छी सी इसकी टॉपिंग्स करके मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर सकती थी, लेकिन ये उसकी रेसिपी है। शी वॉज़ द फर्स्ट शेफ टूडे और ये वो बना रही है, तो मैंने इसमें कुछ भी ऐसा नहीं किया। ये वीडियो मैंने आपके साथ एज इट इज़ ही जो है वो शेयर की है। दूसरी बात ये है कि क्रिटिक्स जो है वो प्लीज़ इस वीडियो से दूर रहें। ये इट इज़ जस्ट अ साइन ऑफ लव कि ये बच्ची जो है वो इतनी इंस्पायर्ड है और ये बहुत ही क्रिएटिविटी वाला काम है, बहुत ही पॉजिटिव वर्क है। मैं जब उसकी इस इंस्पिरेशन को मैंने देखा था तो मेरे दिल में एक क्लिक आया था। एक इंसान होता है ना कि उसके जो जहन में एक बात आ जाती है, मेरे जहन में ये बात आ गई थी कि देखें, जैसे ही आप अपने बच्चों को जो दिखाते हैं, जो सिखाते हैं, जो उनके इर्द गिर्द हो रहा होता है, दे गेट इंस्पायर्ड, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। आप कोशिश करें, जितनी भी माएँ हैं, ये मैं उनसे ये बात कहना चाह रही हूँ, आजकल बहुत ज़्यादा हालात जो हैं वो अफसोस के वो ठीक नहीं जा रहे, तो अपने बच्चों को हमेशा तामीरी कामों में लगाया करें। उनको अगर इरादी तौर पर और गैर इरादी तौर पर जो उनके आसपास हो रहा होता है वो इसमें कन्वर्ट होते जा रहे होते हैं। तो ये बच्ची जो है वो इस चीज़ से इंस्पायर्ड हो रही थी कि मैं जो है केक्स बनाती हूँ। जितना आप उनसे क्रिएटिविटी जो होती है वो कराते हैं उनकी एज में, इस एज में, तो उनका जो माइंड है वो ब्रॉड हो रहा होता है। दूसरा ये कि उनका जहन खुल रहा होता है, बच्चों का जो जहन होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, क्योंकि उसमें आई विल से कि अगर मैं बहुत ही ज़्यादा वो सच बोलूँ तो वो मुनाफिकत नहीं होती उनके दिल में, जो उनके दिल में होता है वो उनकी ज़ुबान पे होता है। तो उनसे अच्छे अच्छे काम कराएं, अपने बच्चों को अपने साथ किचन में इन्वॉल्व करें, उनको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएं, जो भी हो उनका जहन जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ आएगा। और जब से मैं ये वीडियोस बना रही हूँ तो मैं आपके साथ एक अपने यानी पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करती हूँ कि दिस इज़ वेरी क्रिएटिव वर्क। आप जब क्रिएटिविटी करते हैं ना, ये एक क्या कहते हैं इसको कि अल्लाह की तरफ से एक चीज़ होती है। जब आप अच्छी चीज़ बनाते हैं तो उससे आपका दिल और जो आपका दिमाग होता है वो खुद ब खुद पुरसकून हो जाता है। तो बस ये वो साथ में बैठी थी और साथ उसकी कमेंट्री चल रही थी, तो शी इज़ परीसा और ये कपकेक्स हैं फ्रॉम परीसा, और उसको पिंक कलर पसंद था लेकिन मैं उसके साथ बातों में थी। जब आपके साथ बच्चे होते हैं तो मेरा जहन उसकी तरफ बहुत ज़्यादा कन्वर्ट था, मैं इंग्रेडिएंट्स का भी ख्याल रख रही थी, तो पिंक कलर हमने बैटर में नहीं डाला, तो वो जो आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करते हैं तो उसका कलर नहीं आता, लेकिन द टेस्ट वॉज आसम और इनक्रेडिबली बहुत अच्छे बने थे। बच्चों के साथ इस तरह की चीज़ें करना पहले दिन बहुत मुश्किल होता है, पर खुद बहुत वो आसान होते जाते हैं। तो आप भी अपने बच्चों के साथ इस किस्म की जो क्रिएटिविटी होती है इस तरह किया करें, और इंशाल्लाह मैं एक फिर अच्छी सी वीडियो के साथ हाजिर होंगी।